हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रशमित सिंह। मैं हूं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और होपोनोपोनो हीलर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक्ट एज इफ टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एक्ट एज इफ यानी कि आपको ऐसा एक्ट करना है, ऐसा एज्यूम करना है कि वो चीज़ आपको पहले से मिल चुकी है। मैं जानता हूं कि आपको प्रॉब्लम होती होगी, आप एज्यूम नहीं कर पाते होंगे। अगर आपके पास पैसे की कमी है, आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है, एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहे हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके साथ आप जूझ रहे हो, अभी आपकी हाल फिलहाल में आपकी प्रॉब्लम है तो आप जूझ रहे हो उसके साथ में, आपको वो प्रॉब्लम आ रही है, तो यह एज्यूम करना बहुत मुश्किल होता है कि उसको मैं दिमाग में कैसे लाऊं कि मैं पहले से इसको अचीव कर चुका हूं। क्योंकि मैं जब अपने क्लाइंट से बात करता हूं तो वो लोग भी मेरे से ये सवाल पूछते हैं, लेकिन जब मैं उनको पूरा तरीका समझाता हूं अच्छे से, आज ही की बात है एक क्लाइंट ने मेरे कहा कि सर पहले तो मैं इतना नेगेटिव सोच रही थी, लेकिन अभी आपसे बात करने के बाद, एक घंटे के बाद मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रही हूँ और अभी से लगने लग गया है कि वो चीज़ मेरे पास आने वाली है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, आप कैसे अज्यूम कर सकते हैं, कैसे फेक कर सकते हैं? बोलते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। ठीक है, तो आपको फेक करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं आई है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं, पूरा टेक्निक अच्छे से समझाने वाला हूँ एक्ट एज इफ, और आपको एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ नेविल गोडार्ड की, और आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक्ट एज इफ टेक्निक के बारे में कि आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं। जब तक वो चीज़ आपको नहीं मिलती, तब तक आपको एज्यूम करना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, और इससे क्या होता है, आपकी अट्रैक्शन की पावर बढ़ती है और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में जल्दी आकर्षित होती है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको पहले स्टोरी सुनाता हूँ। 1933 में नेविल गोडार्ड न्यूयॉर्क में थे और उनको जाना था अपने घर बारबाडोस में, जो वहाँ से 2000 किलोमीटर दूर था। तो वो बारबाडोस नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उस समय यूएसए में डीप डिप्रेशन का टाइम चल रहा था, वहाँ पैसे की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी थी, रिसेशन का टाइम था और किसी के पास पैसे नहीं थे। नेविल गोडार्ड एक डांसर थे, तो वो डांसर थे तो उनको कौन पैसे देगा, वहाँ पर तो खाने पीने के पैसे नहीं थे लोगों के पास, तो फिर डांस करने के लिए, उनका डांस देखने के लिए कौन उनको पैसे देगा। तो वो भी बहुत परेशान थे, वो अपने घर वापस जाना चाहते थे बारबाडोस। तो नेविल गोडार्ड अपने फ्रेंड अब्दुल्ला के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे को बारबाडोस जाना है। तो अब्दुल्ला उनसे कहते हैं कि तुम पहले से बारबाडोस में हो, तो तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, तुम तो पहले से बारबाडोस में हो। तो नेविल गोडार्ड को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, मैं तो न्यूयॉर्क में हूँ और मेरे को ये बोल रहा है कि मैं बारबाडोस में हूँ, तो मेरे को समझ नहीं आया। तो बोले कि तुम घर जाओ, सो जाओ, और सोते सोते तुम विजुलाइज करो कि तुम बारबाडोस में हो। तो नेविल गोडार्ड ने वैसे ही किया, वो घर गए, रात में सो गए, सोने के टाइम उन्होंने विजुलाइज किया कि वो बारबाडोस के अपने घर में अपनी फैमिली के साथ अपने रूम में सो रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने विजुलाइज किया, और विजुलाइज करके अगले दिन हुआ। ऐसे ही करते करते कई महीने बीत गए। बहुत सारे महीने बीतने के बाद फिर नेविल गोडार्ड वापस अब्दुल्ला के पास आए और बोले कि अब अगली शिप जाने वाली है, अगर मैं उस शिप में नहीं गया तो मेरे लिए बहुत मुसीबत आ जाएगी, मेरे को जल्दी से घर जाना है। तो अब्दुल्ला ने कहा कि तुम तो पहले से बारबाडोस में हो, तो तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, तो फिर ऐसे ही सोचो और तुम सो जाओ। तो उन्होंने वैसे ही सोचा और फिर से सो गए, और बहुत ही मैजिकल तरीके से 48 आवर्स के बाद, यानी दो दिन के बाद, एक लेटर उनके घर में आता है। वो लेटर उनके भाई का होता है जिनका नाम है विक्टर। तो विक्टर के द्वारा वो लेटर भेजा गया था, जिसमें $50 का नोट था और साथ में एक लेटर था कि हमने एक पुरानी कंपनी को बेच दिया है और अब मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं कि मैं तुमको फ्लाइट से फाइनेंस कर सकता हूँ घर आने के लिए, ठीक है, और $50 जो मैंने भेजे हैं उससे तुम कुछ सामान खरीद लो फ्लाइट में चढ़ने के लिए। वो लेटर मिलने के बाद नेविल गोडार्ड सीधा वहाँ गए जहाँ से शिप निकलती है बारबाडोस के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि मेरे को फर्स्ट क्लास की टिकट चाहिए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास की टिकट आपको नहीं मिल सकती, आपको जो सबसे लोअर कंपार्टमेंट की होती है, जहाँ का रेट बहुत ही कम रहता है, वहाँ की टिकट आपको मिलेगी। सेंट थॉमस तक, वहाँ तक जाना पड़ेगा, उसमें जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप सेंट थॉमस से फर्स्ट क्लास में जा सकते हो। तो थोड़ा सैड न्यूज़, थोड़ी गुड न्यूज़ लेके नेविल गोडार्ड वापस अब्दुल्ला के पास गए और बोले कि एक सैड न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि मैं वापस जा रहा हूँ और मेरी जो लेटर है वो आ गया है, मेरे पास पैसे भी आ गए हैं फाइनेंस करने के लिए, मेरे ब्रदर ने मेरे को कहा है। लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि मेरे को लोअर कंपार्टमेंट दिया गया है, फर्स्ट क्लास नहीं दिया गया है। तो अब्दुल्ला ने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि तुम फर्स्ट क्लास में नहीं जा रहे हो, तुम अभी तक बारबाडोस में हो और तुम फर्स्ट क्लास से यहाँ पहुँचे हो,
तो नेविल गुडार्ड को समझ में नहीं आया, तो फिर रात में वापस गए नेविल गुडार्ड और फिर से उन्होंने विजुलाइज किया कि वो फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं। और क्या हुआ कि जिस दिन जाना था उसी दिन जब वो वहाँ पहुँचे जाने के लिए, तब जो शिप वाले थे वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है और जो नीचे की कंपार्टमेंट की सीट आपको दी जा रही थी उसके बदले आपको फर्स्ट क्लास की टिकट दी जा रही है, आप फर्स्ट क्लास में जा सकते हो सीधा बारबाडोस तक, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो नेविल गुडार्ड ने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया क्योंकि उन्होंने पहले से एज्यूम कर लिया कि वो चीज़ उनको मिल चुकी है और हर रात उन्होंने ऐसे किया, वो परेशान नहीं हुए, कई महीनों तक उन्होंने मैनिफेस्ट किया और फाइनली उनकी इच्छा मैनिफेस्ट हो गई। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आ रही है एज्यूम करने में, अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं एक्ट एज इफ टेक्निक को कैसे प्रैक्टिस करूं, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप अपने हिसाब से अपनी परेशानी इसमें डाल सकते हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसके हिसाब से सोच सकते हैं। मान लीजिए आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है, कई लोग मेरे को बोले थे कि शादी मैनिफेस्ट कैसे करें, तो शादी मैनिफेस्ट करने के लिए आप ये एक्ट एज इफ टेक्निक इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको ऐसा सोचना है, शादी होती है तो क्या होता है, शादी के बाद जस्ट क्या होता है, शादी के बाद मान लो आप कोई लड़का हो और बैचलर का रूम कैसा रहता है आप जानते होगे, तो आप थोड़ा सा रूम को सजा दो जैसे कोई नई लड़की आती है घर में, ठीक है, शादी होती है तो कपल रहते हैं, तो कपल का रूम जिस तरीके से रहता है उस तरीके से आप अपने घर को थोड़ा सजा सकते हो, ठीक है, प्लांट्स वांट्स लगा के, है ना। और उसके बाद फिर ये सब प्लांट्स भी शादी के बाद ही आए हैं तो आप देख सकते हो कि प्लांट्स आ जाते हैं घर में और भी थोड़ी सजावट हो जाती है। इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हो कि मान लो आप लड़की हो तो आप घर को तो नहीं सजाओगे या इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे कि मान लो बगल में पार्टी हो रही है, शादी बैंड बाजा की आवाज़ आ रही है, तो आप सोच सकते हो कि ये बैंड बाजा बज रहा है वो आपकी शादी का ही है, ये आप सोच सकते हो। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ये सोच सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि आप ये गुड न्यूज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को सुना रहे हो। घर में अगर बातचीत होती है शादी की, तो अगर ये बात हो रही है कि अभी वो लड़के वाले नहीं आ रहे हैं या फिर बैड न्यूज़ आ रही है, तो बैड न्यूज़ को थोड़ा सा गुड न्यूज़ की तरह विजुलाइज करो कि आपकी शादी की बात चल रही है, या कोई और बात भी चल रही तो आप ये सोचो कि मेरी शादी की बात हो रही है बाहर में और मेरी शादी होने वाली है, इस तरीके से आप कर सकते हो। या फिर आप एक कार्ड छपा सकते हो शादी का, और शादी का कार्ड में आप मान लो आप कोई लड़का पसंद है आपको, तो आप उसका नाम लिख सकते हो, अपना नाम प्रिया वेड्स राहुल, इस तरीके से आप लिख सकते हो और उसको आप अपने सामने रखो, उसको देख के विजुलाइज करो कि डेट भी लिख सकते हो कि इस डेट को मेरी शादी हो रही है, 6 महीने 1 साल के बाद आप डाल सकते हो कि ये डेट को मेरी शादी है। तो ये शादी के लिए हो गया। जॉब के लिए आप कैसे कर सकते हो कि मान लो आप जॉब करना चाहते हो, आपको जॉब नहीं लग रही है, तो आप क्या करोगे कि सुबह जो टाइम होता है डिसिप्लिन होता है जॉब वालों का कि सुबह 7 बजे ड्यूटी जाना है, 8-9 बजे ड्यूटी जाते हैं कई लोग, तो आप वो कर सकते हो। मान लो आप 11 बजे सो के उठते हो तो आप 9 बजे उठना शुरू करो, 9 बजे की ड्यूटी आपको करनी है, 7 बजे उठना शुरू करो अगर 7 बजे की ड्यूटी आपको करनी है। जो भी आपको जॉब चाहिए आपको पता है ना कि उस जॉब के लिए कौन सी टाइमिंग पे आपको उठना पड़ेगा, तो वो आप विजुलाइज कर सकते हो कि मैं इतने बजे उठ रहा हूँ और उठना भी चालू करो। क्या होता है कि यूनिवर्स आपके प्रिपरेशन को देखता है, आपके एक्शन को समझता है कि अगर आप एक्शन ले रहे हो मतलब आप प्रिपेयर हो रिसीव करने के लिए अपनी इच्छा को, ठीक है। तो आप प्रिपेयर कैसे हो गए, आप केवल सोचोगे नहीं, केवल बैठ के बस आंख बंद करके सोचने लग गए, घंटों सोचने लग गए कि मैं ये हो रहा है ये हो रहा है ये हो रहा है, ऐसे नहीं। 2 मिनट के लिए विजुलाइज करो, वाटर मैनिफेस्टेशन करो, पानी पीते समय आप विजुलाइज करो, लेकिन साथ के साथ एक्शन भी लो, आप उस तरीके से काम करो। जैसे ड्यूटी आपको जाना है, जॉब पर जाना है, तो आप सुबह उठने चालू करो, उसके बाद फिर आप टाइम पे अगर लंच नहीं करते हो तो टाइम पे लंच करो, ऐसा दिखाओ यूनिवर्स को कि आपकी जॉब लग चुकी है और आप प्रिपेयर हो उस जॉब को रिसीव करने के लिए। इसी तरीके से अगर पैसे की कमी है आपके पास में, पैसा चाहिए, तो एक काम करो कि आप सबसे बड़ा नोट जो है वैसे ही 2-3 नोट आप ले लो, कहीं ना कहीं से उतने पैसे तो आपके पास होंगे, आप उसको पर्स में रखो और सोचो कि इतने पैसे मेरे पास हैं। इस तरीके से आप सोचो कि आपके पास पैसे हैं, ये सोचोगे तो और पैसे आपके पास आएंगे। बैंक अकाउंट की तरफ मत देखो, आप अपने पास कैश रखो, हाथ में पैसा लो, विजुलाइज करो कितने पैसे हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो और एक्ट करो। और ये भी एक बात है, एक सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी थॉट हमारे दिमाग में आता है वो कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि हम एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी केवल ट्रांसफ़र होती है। तो जो थॉट आपके दिमाग में आया है वो कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में लाया गया है, ठीक है। और अगर आप उसको विजुलाइज कर पा रहे हो, बॉब प्रॉक्टर भी कहते हैं अगर आप उसको अपने दिमाग में बैठा पा रहे हो तो आप उसको अपने हाथों में होल्ड कर सकते हो। तो अगर आप उसको विजुलाइज कर पा रहे हो यानी कि वो थॉट पहले से एग्जिस्टेंस में है, यूनिवर्स में है, यानी वो पहले से मौजूद है। जो चीज़ पहले से मौजूद नहीं है आप उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। मान लो अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, अगर वो फ्रिक्वेंसी वहाँ पर सेट नहीं होती
तो हम कितना भी ट्राई करें अगर वो फ्रीक्वेंसी वहाँ सेट नहीं है तो फिर वो गाना वहाँ नहीं बजेगा। इसी तरीके से अगर वो फ्रीक्वेंसी आपकी सेट नहीं है यूनिवर्स के साथ, आपकी इच्छा के साथ, तो वहाँ पर गाना नहीं बजेगा, बैंड बाजा नहीं बजेगा, आपका बाजा बज जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, एक्शन लो, विजुलाइज करो और एक्ट एज इफ टेक्निक को प्रैक्टिस करो। और अगर आप ये टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, आपको कोई भी सक्सेस स्टोरी आपकी जनरेट होती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को वीडियो से मोटिवेशन मिले और मुझे भी लगे कि आपने क्या अचीव किया है। हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बाकी लोग भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। इसके अलावा सबसे पहला स्टेप होता है मैनिफेस्टेशन का कि आप एफर्मेशन लिखो। सबसे पहले आप एफर्मेशन लिखो, प्रैक्टिस करो। एफर्मेशन लिखना नहीं आता है तो आप मेरी ईबुक से सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं मैनिफेस्टेशन में तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैलेंडरी से कॉल बुक होता है, वहाँ से कॉल बुक करना। कॉल बुक ऐसा नहीं कि मैं आपको फ़ोन कॉल करूँगा, वहाँ से जूम पे बात होती है, जूम कॉल होगा, मैं आपको जूम कॉल करूँगा और मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा। अगर मैं आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल मदद करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।